मोदी जी अपनी सैलरी का क्या करते हैं? एक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, दूसरा आपकी माँ आपको बड़े प्यार से पैसे पकड़ाती है, आप उन पैसों का क्या करते हैं? एक तो मेरी माँ ने मुझे जो हमेशा क्या देती है, ज्यादा से ज्यादा शायद एक बार 11 रुपया दिया था, ज्यादा से ज्यादा तो नारियल और मिश्री मिली थी, ज्यादा ज्यादा, लेकिन एक बार उसने मुझे 5000 रुपया दिया। अच्छा 5000 रुपया, तो मैं सरप्राइज था जी। तो सुबह मैं जन्मदिन था तो माँ को मिलने गया, तो उसने मुझे 5000 रुपये दिए। मैंने कहा माँ क्या बात है आज? तो बोले ये कश्मीर, उस दिन उस समय कश्मीर में बाढ़ आई थी। अच्छा, तो माँ ने कहा कि उनको दे देना। तो मैं इन पैसों को कहीं ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन दे देता हूँ, फिर बता देता हूँ कुछ कर लेना। आप हैरान हो गए, मेरे जेब में कभी पैसा नहीं होता है, मैं कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। एक बार मैं कहीं गया तो कोई कार्यकर्ता रिश्यू करने आएगा, मुझे मेरे पास पैसे नहीं थे, जो रिश्यू करने वाला आना था वो बेचारा पहुंचा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, जहां जाना था उसका पता नहीं था, ऑटो रिक्शा को पैसे दूं क्या करूं, मैं खड़ा रहा बड़ी देर तक। जब वो आया तो बाद में उसको लगा कि तो मैं चला गया हूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा, 2-3 घंटे के बाद मेल बैठा, तब जाकर मैं पहुँचा। पैसे वैसे रखता नहीं मैं। आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन? BFF। जब मैं संघ का काम करता था तब एक लक्ष्मण राव जी नामदार करके थे, वकील साहब हम कहते थे, जिनके जीवन पर मैंने किताब लिखी है, तो मेरा मन करता था कभी कि मैं उनको कहूँगा कैसा हुआ। लेकिन मेरे जीवन का एक नियम है जो शायद आपके दर्शकों को भी काम आ सके, जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, उसको पता नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में उसका वो स्थान है। आपके मन में अच्छा विचार आया तो भी बता दो, बुरा विचार आया तो भी बता दो, अच्छा हुआ तो भी बता दो, कुछ भी मत छुपाओ। एक व्यक्ति जीवन में होना चाहिए। अभी भी है क्या आपकी? है, मैं नाम नहीं बता। अभी भी है, क्योंकि मैं बता दूं उससे क्या होता है, फिर वो कॉन्शियस हो जाता है, फिर वो अपनी की बातों को, अभी तो क्या मैं बताता हूँ तो कोई बताने के लिए नहीं जाता हूँ, बातों में ऐसे कह देता हूँ ऐसा हुआ। अब गेसिंग गेम बड़ी जबरदस्त देश भर में शुरू हो जाएगी कि कौन है। तो हर एक के जीवन में होना चाहिए मैं कहूँगा। और आप देखिए, वो व्यक्ति जरूर नहीं कि बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, कोई जरूर नहीं है, कभी आपको ऐसी चीज बता देगा जो कभी शायद बहुत बड़ा पंडित भी नहीं बता देगा, जो आपकी जिंदगी का रास्ता बना देगा। वकील साहब का नाम भी मैं इसलिए बताता हूँ कि अब वो जीवित नहीं रहे। घाट की तरफ जा रहे हैं, आपको कभी मिस करते हैं आपकी अकेले घूम सके ऐसे चाय की दुकान पर रुक जाए? मुझे प्रकृति बहुत पसंद है। मेरा जीवन जो बना है वो पहाड़ों में बना है, नदियों के बीच बना है, और मैं आज भी उस जिंदगी को जीना पसंद करता हूँ, लेकिन संभव नहीं रहा है, और मेरे पास त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यही है मेरी अपनी इच्छाएं, उसी को मैं त्याग कर दिया। घर पर भी खुद से चाय बना पाते हैं अपने? अभी भी मैं खाना पका सकता हूँ जी। अच्छा, अभी हाँ। आपकी फेवरेट क्या है? क्या बढ़िया बढ़िया क्या बनाते हैं? बढ़िया बढ़िया, जैसे ऐसा है, देखिए मैं जिंदगी ऐसे, मैं भैया लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ, अब किसी के गले नहीं उतरेगा लोगों के घर में, इसलिए खाने का कोई बचा जूत। अच्छा, मैं कभी बता करके नहीं जाता था, जाता था, पड़ा है तो खाता था वरना चलाता था, ऐसे जिया हूँ। लेकिन कभी दफ्तर आ जाता था और रात देर से आया तो खिचड़ी बड़ा सरल होता था, खिचड़ी बना देता था, 4:30-5 बजे उठना, पूरा दफ्तर में झाड़ू लगाना, पोता करना, फिर सबके लिए चाय बनाना और 5:20 को सबको उठाना, फिर हमारे यहाँ एक RSS में प्रातः स्मरण होता है, तो प्रातः स्मरण होता था, सभी महापुरुषों का स्मरण करते हैं, फिर सबको चाय परोसता था, उसके बाद शाखा चला जाता था, फिर आकर के सबके लिए नाश्ता बनाता था, तो पोहे वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। अच्छा। सबको मैं खिलाता था, और फिर कोई 10 बजे स्नान करता था, फिर मैं डाक पढ़ता था, अखबार पढ़ता था, और फिर किसी के घर खाना खाने के लिए चला जाता था। तो ये मेरी जिंदगी रही थी, ये ऐसी जिंदगी मैंने कोई 2-2.5 साल बिताई थी।